आरएसएस के इशारे पर चलती भाजपा मायावती के निशाने पर रही सपा भाजपा व कांग्रेस को नाबक्सा बहराइच बयाकपुर संबोधन करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए कांग्रेस भाजपा सपा तीनों ने ही कभी भी हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। समाजवादी पार्टी दंगाइयों और गुंडों का बोलबाला रहा। सपा एक विशेष क्षेत्र और विशेष समुदाय के लिए काम करती है। सपा ने हमारे महापुरुषों के नाम पर बनी शैक्षिक संस्थाओं के नाम बदल दिए और भाजपा ने भी न्याय नहीं दिया। भाजपा जातिवादी और आरएसएस चलने वाली पार्टी है। विशेषकर मुस्लिम समाज को इस सरकार ने सबसे ज्यादा दुखी रहा, काफी ज्यादा बड़ी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की जरा नीतियों के कारण काफी ज्यादा रही। सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदल कर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती है। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नियत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए यहाँ फिर से बीजेपी की सब जनताएं व सब जन सुखाए की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए